बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अज असा स्टडी कंदासी बैक्टीरिया के चैप्टर के आखिरी टॉपिक्स में कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के कियां कंट्रोल करें। नॉर्मली बैक्टीरिया जा फायदा वधिक है, नुकसान है। नुकसान तो यो तो करे तो असाजे अंदर बीमारी पैदा करे थी, पर बीमारी तो तरह ही पैदा कर दो जैसे असा पी केयर न कंदा। तो हाँ इन हवाले से डिस्कशन तो भी कड़े नमूने से कंट्रोल करे सको ताकि अस बीमार न करे। तो सब का पेरी पॉइंट यह है जैसे कोई बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड बंद है या जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन थी है तो उनके अस एंटीबायोटिक से ट्रीटमेंट कंदा। We use antibiotics to treat infected patient. The book में points लिखे हैं, तकरीबन 8 points लिखे हैं, 8 points के तौर पर मैं नुकसान हो रही मेरे पढ़ता हूँ। तो यानी कि जिनके infected बंदा है उनके असी treat करना से antibiotics। नंबर सेकेंड पॉइंट यह आया तो चाहे तो prophylactic treatment, prophylactic treatment. प्रोफाइलेट ट्रीटमेंट असी चाहुंदा यू ट्रीटमेंट बिफोर इन्फेक्शन, ट्रीटमेंट बिफोर इन्फेक्शन यानी कि बीमार थियण खां पहिरियां उन जी ट्रीटमेंट खे असी प्रोफाइलेट ट्रीटमेंट चऊं। जे मिसाल के तौर ते असां वैक्सीनेशन कंदा आहियूं त वैक्सीनेशन बि प्रोफाइलेट ट्रीटमेंट आहे, बीमार थियण खां पहिरियां उनखे बचाइण जो। तो हाँ जैसे कि पॉपुलेशन है उनमें यो रिस्क है तो भाई या बीमारी थी सके थी तो असं कंदी तो उन पॉपुलेशन की वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन कंदी तो यहाँ प्रोफाइलेट ट्रीटमेंट है। नंबर थर्ड पॉइंट यहाँ चे तो उनकी लाइफ साइकिल पैथोजिन जी लाइफ साइकिल है उनके डिस्टर्ब करो। और उनके डिस्टर्ब कि जो वॉटर में अचे तो वॉटर के तुम बॉइल कर ताकि वाटर को बॉयल कर दो। बॉयल करने के बाद में बैक्टीरिया तो ट्रांसमिट ना थी लेकिन फूड के जरिए अच्छे तो फूड के डिस्कॉर्ड कर तो ये लाइफ साइकिल के तुम डिस्टर्ब कर। नंबर फोर्थ पॉइंट जो आया तो यह आया इन केस ऑफ एपिडेमिक्स। एपिडेमिक्स असं चाहता हूँ तो वबाई सूरत जैसे अख्तियार कर जैसे वबाई सूरत वबाई मूँ एक मूँ बे मूँ बे मे में जो है त फैलजी वे तो असं उनके एपिडेमिक्स चवे। इनो प्यो टर्म भी है पेंडेमिक जो हाँ कोविड 19 के करे चुनाव पेंडेमिक पेंडेमिक में मोर तो सारी दुनिया में ही वबा फैलती वे तो पेंडेमिक जैसे लोकल ही फैलती वे तो असं उनके एपिडेमिक्स चवे। जो जैसे एपिडेमिक्स तो वे तो कहना इन्फेक्टेड बंदा है उनके असं क्वारंटाइन कंदा। क्वारंटाइन का मुरादा आइसोलेट कंदा जी हाँ ऐसो तमाम हाँ कोविड 19 जहाँ पेशेंट्स हुआ अस उनके क्वारंटाइन कर सखर में सेंटर से शिकारपुर में सेंटर ताकि उनके अलग रखो ताकि वो आम पॉपुलेशन से मिक्स न थे। जैसे आम पॉपुलेशन से मिक्स थींदा यो फैल जी वो सारी पॉपुलेशन के अंदर तो क्वारंटाइन का मुरादा आइसोलेट कर। बाद में अचे तो आइडेंटिफिकेशन जैसे वो पैथोजन या वायरस के होस्ट में अचे तो को एनिमल में अचे तो या कहीं प्लांट में अचे तो उनके अस आइडेंटिफाई कर उनके आइडेंटिफाई कर तो भाई इन शे में यो बैक्टीरिया असर अंदर दाखिल थे तो होस्ट के तुम किल कर ऑटोमेटिकली बैक्टीरिया अस ती पची न सको। हेल्थ अवेयरनेस भी हो मानन में हेल्थ अवेयरनेस भी कोविड 19 के कर बार बार ये अवेयरनेस दिनी वे थी तो भाई तुम मास्क पायो बाहर वजन तो गुरेज कर जो बाहर वो तो मास्क पाए वो पे हथन के साबुन से धो या सैनिटाइजर यूज कर ताकि वायरस तेजे हथन में जो लगे तो वो हथन से ही तुम बार धोई तो खत्म थी। यह हेल्थ अवेयरनेस मानन में दीजिए तो भी कड़े नमूने से तुम बैक्टीरिया के कंट्रोल कर सको तो बैक्टीरिया तक बीमार न कर सको तो ये प्रीकॉशंस भैया खण दो। उनखा बाद में तो सत्ते पॉइंट है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सर्विलेंस सिस्टम। सर्विलेंस सिस्टम ही एक चेक एंड बैलेंस सिस्टम होंगे ऑब्जर्व डिजीज कड़े एरिया में है उनको काज ये हर हॉस्पिटल्स में सर्विलेंस सिस्टम होंगे हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर।
मिसाल के तौर पर कई एरिया में बार बार सागी बीमारी जहाँ पेशेंट्स अचन था हॉस्पिटल के अंदर तो वह इंफॉर्मेशन सर्विस सिस्टम दे वो कभी डॉक्टर की टीम रिसर्चर की टीम उन एरिया डिप्लॉय कहीं तो भाई इन एरिया में यह बीमारी छो थी थे बार बार वो मानों के प्रिकॉशंस दी बीमार की ट्रीटमेंट थी उन्हें प्रिकॉशनरी मेजर्स बुधाइंदा मानों के फॉलो कर बीमार उन बाद में आया किलिंग ऑफ द बैक्टीरिया बैक्टीरिया के किल क्यों अस बैक्टीरिया के रिमूव करने लाइक प्रोसीजर यूज कर स्टरलाइजेशन स्टरलाइजेशन ही प्रोसेस है प्रोसेस टू रिमूव बैक्टीरिया फ्रॉम एनी ऑब्जेक्ट कहीं भी ऑब्जेक्ट का बैक्टीरिया के रिमूव करने के प्रोसेस के असि स्टरलाइजेशन चाहिए असा वट मुख्तलिफ मुख्तलिफ बैक्टीरिया के रिमूव करने लाए ता डिफरेंट टेक्निक्स यूज करना मिसाल के तौर पर तेज लिविंग टिश्यूज में एंड बैक्टीरिया के यूज कौ एंटीसेप्टिक्स यूज कर लिविंग टिश्यू में बैक्टीरिया के रिमूव कौ एंटीसेप्टिक्स यूज साबुन यूज लाइफबॉय या डिटॉल लिखल हों तो में अंदर लिखल एंटीसेप्टिक एंटीसेप्टिक लफ्ज अस तरह यूज कहते जैसे अस बैक्टीरिया के रिमूव क्यों फ्रॉम लिविंग टिश्यूज वी यूज एंटीसेप्टिक्स मिसाल के तौर पर चवा भाई ही मार्कर है मार्कर में बैक्टीरिया के रिमूव किया वे तो असं एंटीसेप्टिक्स यूज न करे साबुण से डिटॉल से न धोईंदे पर असं कहीं डिसइनफेक्टेंट्स यूज क डिसइनफेक्टेंट्स अस यूज नॉन लिविंग थिंग्स में बैक्टीरिया के रिमूव करे मार्कर थी वो या कोई वुड है वुड में भी अस बैक्टीरिया के रिमूव कहे डिसइनफेक्टेंट्स यूज कहे टे अस यूज हीट टेम्परेचर टेम्परेचर में भी बैक्टीरिया मर में पानी बॉयल कंदे शे पानी में विझे 15-20 मिनट तक बॉयल कर सो शे बैक्टीरिया उन खत्म जी मिसाल के तौर पर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स या मेटल जो शूं या शीशे जो शूं उनके पानी में विझी कर बॉयल कौ ऑटोमेटिकली बैक्टीरिया उन में खत्म थी तेरे नमूने से डिफरेंट शिमूव करने लाइ डिफरेंट मेथड्स यूज कर जैसे तक चवे कमरे का तुम यू जो बैक्टीरिया रिमूव कर यूवी रेज यूज अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यूज अगेन में यह गाल हाँ तुश्चन में हिसाब से पूछा क्या वा मिसाल के तौर पर बार बार एक मिसाल दी बार तुम्हारी मुर्गी जो गोश्त पो मुर्गी या मुर्गी जो गोश्त है उन मुर्गी के गोश्त के बैक्टीरिया के क्या रिमूव कौ तट ही चार मेथड्स उन चार मेथड्स के यूज कर व्हाट्सएप से मोकिलो तो भी मुर्गी जो गोश्त है उन गोश्त में बैक्टीरिया के कड़े नमूने से रिमूव कर नंबर सेकंड क्वेश्चन तट नेस्ले जो जूस है जूस जूस एक्सट्रैक्ट निकल है उन जूस के एक्सट्रैक्ट में बैक्टीरिया अची वाने तौ था तो उन बैक्टीरिया के क्या रिमूव करो क्वेश्चन जूस में बैक्टीरिया के क्या रिमूव कर टो क्वेश्चन यो है चले भाई काफी इनके चार कौ त्वेश्चन ये पुछा कर ये न पुछा कहटीसेप्टेडिसिन ना पुछा कर कड़े प्रोसीजर के जरिए कड़ी शे के बैक्टीरिया के रिमूव कर बाद में तट इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन जो टॉपिक है जो अस 14 चैप्टर में डिटेल में डिस्कस कर चुका है इम्यूनाइजेशन कड़े नमूने से इम्यूनिटी डेवलप की बाद में एंटीबायोटिक्स जो टॉपिक है एंटीबायोटिक्स भी पहले चैप्टर में अस पढ़ी चुका है इंट्रोडक्शन दे चुका सारी शो खुद ही रिव्यू कर इन बाद में अस पढ़ा साइनो बैक्टीरिया
साइनोबैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया के ऐसी ब्लू ग्रीन अल्गी भी चाहूँ ब्लू ग्रीन अल्गी भी लेके चाहूँ ब्लू ग्रीन है यार कि अल्गी ना ही प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है ये क्या है यूनिसेलुलर फॉर्म में भी रहता है तो पॉलीनेशियल फॉर्म में भी ही रहता है इन्हें के अंदर जो जो बैक्टीरिया है तो सेल वॉल मौजूद है पर ये सेल वॉल बट इन बिन किस्म जेकी आउटर सेल वॉल है आउटर सेल वॉल देखा सेलुलोज प्लस पेक्टेट्स की चल है बी इन जी है इनर सेल वॉल इनर सेल वॉल इन जी सिर्फ और सिर्फ सेलुलोज की चल यानी इन जी अंदर बस सेल वॉल हुंदा आउटर सेल वॉल सेलुलोज पेक्टेट इनर सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ सेलुलोज की चल सेल वॉल जे इनसाइड इन जी सेल मेम्ब्रेन प्रोटोप्लाज्म आ ही प्रोटोप्लाज्म जे काया वहा बिन्ने रीजंस में तकसीम थे एक आउटर रीजन है वह कलर्ड होंगी है जैसे असि क्रोमोप्लाज्म चौंदा हूं क्रोमोप्लाज्म ही कलर्ड होंगी है इनर रीजन इन जो सेंट्रोप्लाज्म है वो सेंट्रोप्लाज्म कलरलेस और क्रोमोप्लाज्म जो आउटर रीजन है क्रोमोप्लाज्म कलर्ड है पर ही आउटर रीजन सेंट्रोप्लाज्म इनर रीजन इन आउटर रीजन में इन सेल मेम्ब्रेन जो ही फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है सेल मेम्ब्रेन के अंदर इन जहाँ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स मौजूद इन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के अंदर क्लोरोफिल मौजूद है क्लोरोफिल के अलावा इन अंदर फाइकोसियानिन मौजूद है फाइकोसियानिन के अलावा इन अंदर कैरोटीन्स मौजूद हैं कैरोटीन्स एंड ज़ैंथोफिल्स और ग्रीन कलर क्लोरोफिल के करे इंदा ए ब्लू कलर फाइकोसियानिन के करे इंदा तंजे करे से इनके ब्लू ग्रीन एल्गी चवंदा जे त ही प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आ इन जे अंदर क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद ना इन हुंदा ए इनकी सेल मेम्ब्रेन ही वो फंक्शन परफॉर्म करदा सेंट्रोप्लाज्म की गाल करदा से सेंट्रोप्लाज्म के अंदर इन अंदर राइबोसोम्स होना है प्लस में इन जो न्यूक्लिक न्यूक्लाइड मौजूद है यानी कि जेनेटिक मटीरियल न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होगा मैं कह रहा चाहता हूँ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक्स वगैरह मौजूद ना होगा इन कॉलोनी है वह कॉलोनी फिलेमेंटस कॉलोनी फिलेमेंटस कॉलोनी यानी इन फॉर्म में इनकी कॉलोनी इन कॉलोनी के सेल्स के दरमियान सेल्स जो टाइप हों किन में ही राउंड शेप जहाँ सेल्स हों किन में ही ओवल शेप जहाँ सेल्स हों इन कॉलोनी के दरमियान में एक बिगर साइज जहाँ सेल्स हों हेट्रोसिस्ट चौदा हेट्रोसिस्ट जो फंक्शन एक फंक्शन हेट्रोसिस्ट जो यो है नाइट्रोजन फिक्सेशन एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की फिक्सेशन कर उनके कन्वर्ट कर नाइट्रेट में नंबर सेकेंडली इन फंक्शन रिप्रोडक्शन भी है यानी फेवरेबल कंडीशन में ही रिप्रोडक्शन भी कराए फेवरेबल कंडीशन में रिप्रोडक्शन आए प्लस में नाइट्रोजन फिक्सेशन तो यानी ही जी फिलेमेंटस कॉलोनीज हैं काफ़ी कॉलोनीज होंगे एक ना होंगी फिलेमेंटस काफ़ी कॉलोनीज होंगे वे कॉलोनीज इकड़ो जेल लाइक मटीरियल रिलीज करता है मटीरियल के असि सिनोबियम चौंदा है सिनोबियम इकड़ो जेल लाइक मटीरियल है दैट्स कॉल्ड सिनोबियम सिनोबियम जो बेसिक कम यो है त ही उन कॉलोनीज के फ्लोट कराइंदा यानी तैरी दवा तक जो पानी के मथे सरफेस पे मथे सरफेस पे अचण जो मकसद यो है त वध में वध लाइट कैप्चर कर ए फोटोसिंथेसिस करे सके छो तो पानी के जित डेप्थ में होंगे तो लाइट घट होंगी जो मथे लाइट होंगी वो ही सिनोबियम इन कॉलोनीज के मथे फ्लोट कराइंदा ताकि लाइट कैप्चर कर फोटोसिंथेसिस कर सकें बाद में इन अचो था रिप्रोडक्शन के हवाले से रिप्रोडक्शन बिन किस्म की बल्कि किस्म जिमें अस फेवरेबल कंडीशन में इनका फिलेमेंट है वह हेट्रोसिस्ट वाली जाए तो स्प्लिट थी
यानी हिता स्पिरिट थी दो हिता स्पिरिट थी दो और डिफरेंट के स्पिरिट थी या तो भाई फ्रेगमेंट्स था या फ्रेगमेंट्स के सी हार्मोनिया चो हार्मोनिया चो हार्मोनिया फेवरेबल कंडीशंस में था अगर को ही स्पिरिट थी करे हर एक फ्रेगमेंट सो पे या एकड़ी फिलामेंट और ट्रे फिलामेंट था पानी के फिलामेंट्स ठांदा यार नई जका फिलामेंट ठाईदा तो उनमें ही के आउटर सेल्स आई ने उही डिवाइड थी दा इनर सेल्स से डिवाइड ना ही थी दा आउटर सेल डिवाइड थी दा ताजे बुक में लिखा था हार्मोनिया अनफेवरेबल कंडीशन में पर वो किताब में थोड़ी गलती है कि फेवरेबल कंडीशन करे चाहिए बी कंडीशन के काया तो हा इन की अनफेवरेबल कंडीशन में ही एकाई नीड्स ठाई हुआ एकाई नीड्स बेसिकली ही इंडो स्पोर ही प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म पर जो वार फेवरेबल कंडीशन है पानी घटा साइटोप्लाज्म में वाटर रिमूव थी तो स्पोर था तो स्पोर के बाहर सेल वॉल की फॉर्मेशन थी वो हाईली रेजिस्टेंट हो तो वाटर में प्लस में जो है तो टेम्परेचर वगैरह के रेजिस्ट कर सके तो जैसे भी फेवरेबल कंडीशन थी तो स्पोर्स बीयर जर्मिनेट कर वरी बीयर कॉलोनी का साइनोबैक्टेरियम की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ये आया तो ही एक्वाटिक एनवायरमेंट में ऑक्सीजन प्रोड्यूस कंदा है प्लस में ही नाइट्रोजन की एडिशन कंदा है पानी के अंदर तो हिन के असि ये नॉस्टिक एनाबेनास और एग्जांपल आ उनके ऐसा नेचुरल फर्टिलाइजर भी चवंदा जे करे पानी की फसल में नॉस्टिक एनाबेना के ऐसा कल्चर कयो तो असा के जमीन के अंदर यूरिया वगैरह देन की जरूरत न पवंदी ये सारी में यूरिया वगैरह देना है तो पानी में सारी थी फसल राइस जो उतने जो नॉस्टिक एनाबेनास और बैक्टीरिया थोड़ा कल्चर कर विझी छो तो असा के नाइट्रोजन की भी यूज इस्तेमाल करने की जरूरत न पवी दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर अस नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट कंदे चैप्टर नंबर 7 और एक शे पुट ऑब्जर्व कई है तवे टेस्ट के हवाले से टेस्ट में तवी अपियरेंस बिल्कुल घट है तुम सीरियस जो पे पढ़ाई में जो सीरियस न थी तो ऑटोमेटिकली बार पढ़न था या ना त पर हिकड़ी तावड़ एडवांटेज आए तो जहाँ सेंटर बंद है ऑनलाइन भी क्लासेस को न हलन था काते भी था हलन था भी घटवा था हलन था पर तहाँ सीरियस तो ताले की गोल्डन अपॉर्चुनिटी है न भी कंपटीशन का टोडी जैन जनों ने थोड़ो भी ता एफर्ट कर दो तहाँ अत्ते निकली दो मैं टेस्ट दिस जो रिजल्ट दिस आदो तो उन्हें तमाम थोड़ा बार अपियर था थे तमाम थोड़ा बार अपियर था फिर इन्हें मैं यह साबित थी तो बार तुम घर में को न था पढ़ो न पढ़ दो टेस्ट पानी जाए टाइम से थी ताकि एक्स्ट्रा टाइम न मिल दो उनका बाद में जाते हुए सिलेक्शन नी थे तो वही कर पछता पछता को बेहतर है तो पे पढ़ाई की तरफ अचो ठीक है सी यू ऑन नेक्स्ट लेक्चर जो चैप्टर नंबर 7।